नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। खबर आगरा से, सैया में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का परिचयात्मक प्रशिक्षण संपन्न। तहसील खेरागढ़ के सैया विकासखंड की ब्लॉक सभागार में बुधवार को हमारी योजना हमारा विकास कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक महेश गोयल उपस्थित रहे। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख मुख्य अतिथि विधायक महेश गोयल एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीकांत त्यागी ने दीप प्रज्वलन किया। विधायक महेश गोयल ने सचिवों और प्रधानों को संबोधन में कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण में आपको प्रशिक्षक, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा आयोजन, ग्राम पंचायत की बैठक, समितियों में ग्राम प्रधान की भूमिका एवं कर्तव्य, ग्राम पंचायत विकास योजना, केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की जानकारी, न भागीदारी सहित कई अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जो आपके कार्यकाल के संचालन में सुलभता प्रदान करेंगी। शिविर में 10 ग्राम पंचायत सचिव और 44 प्रधान व प्रधानपति उपस्थित रहे। शिविर में मुख्य रूप से भाजपा पूर्व जिला मंत्री राम सेवक त्यागी, खंड विकास अधिकारी राकेश त्रिपाठी, लखनऊ के प्रदेश प्रशिक्षक दिनेश यादव, धर्मेंद्र कुमार, सहायक खंड विकास अधिकारी प्रेम सिंह, कल्याण सिंह, राजकुमार, राहुल राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। मैं उन प्रधानों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ जो नवनिर्वाचित हुए और यहाँ प्रशिक्षण है। और मेरे यहाँ मंचा सिंह हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब, हमारे BDO महोदय, हमारे राम सेवक त्यागी पूर्व जिला मंत्री, ADO साहब और जो अधिकारी लखनऊ से आए, सबका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे ग्राम विकास की योजना, हमारे पूर्व के नेताओं ने ये सोचा होगा, ऐसा ही सोचा, ये बात भी सही भी है कि हमारे देश का विकास गांव के होकर, अगर गांव हमारे विकसित है तो देश हमारा विकसित है, गांव हमारा प्रशिक्षित है तो देश हमारा प्रशिक्षित है, क्योंकि हमारे देश की 80% आबादी गांव है। इसीलिए योजना विभाग बना और ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन गांव के सर्वांगीण विकास के लिए। आज से अगर हम 40 साल पहले पहुंचे तो हमारे कोई निधि गांव में नहीं है, लेकिन सरकारों ने सोचा, पूर्व के नेताओं ने सोचा कि गांव का विकास गांव के ही मुखिया द्वारा अगर कराया जाएगा उसको ज्यादा पता रहेगी कि गांव में क्या होना चाहिए और क्या होगा, जिससे हमारे गांव का स्तर बढ़े, लोगों को रहने में सुविधा मिले, चाहे पेयजल का हो, चाहे आवागमन के लिए खरंजे हो, चाहे आवास हो, चाहे नालियां हो और बहुत से ऐसे काम है जो गांव वाले। चित्रकूट, बुधवार को पितृपक्ष का आखिरी दिन पितृपक्ष अमावस्या मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि 15 दिन से धरती पर आए हुए पितर अमावस्या के दिन विदा होते हैं। इस दिन पितरों को निमित्त करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा के साथ उन्हें विदा किया जाता है। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का खास महत्व होता है। पैच, जानिए तिथि का महत्व और श्राद्ध विधि भिन्न होता है। मंदाकिनी नदी पर स्नान घाट पर लोगों ने पूर्वजों को याद किया और कुछ लोग दूर दूर से आकर के भंडारा भी कराया जा रहा है। अशोक कुमार गुप्ता है, हम 4 भाइयों समेत यहाँ आए हैं। श्री लक्ष्मी शंकर जी प्रथम पुत्र, द्वितीय अशोक कुमार गुप्त, तृतीय श्री महेश कुमार गुप्त, चतुर्थ श्री राजेंद्र कुमार जी गुप्त, पूरे परिवार के साथ आते हैं। परम पिता परमेश्वर श्री पिताजी महाराज और पूज्य हमारे पितरों की कृपा से ये भंडारा संपन्न होता है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं, ये सब प्रभु कामतगिरी महाराज की कृपा है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। तो हर अमावस्या में करते हैं कि एक नहीं, पितृपक्ष की अमावस्या को करते हैं भैया, हर साल एक वर्ष में एक बार यहाँ जी, बाकी कानपुर में जो होते हैं उससे कोई मतलब नहीं। R9 भारत के लिए कृष्ण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, चित्रकूट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।